और हमारी गाड़ी गई हुई है ठीक होने को। एक दिन मतलब एक्सीडेंट हो और शीशा सारा टूट गया था रावत जी का, किसी ने ना ट्रॉले ने मार दिया था साइड में। तो गाड़ी हमने ठीक कराने को दी थी क्योंकि नई गाड़ी का पूरा शीशा ख़त्म था। घर आती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मतलब आँखें ऐसे सी हो जाती है, मतलब कम सा दिखता है। कभी कभी कि इसने मेरा लहंगा पहन लिया है, मम्मी ने और मामू की शादी में पहना था, ये देखो उसका मम्मी को इसको फिट ही नहीं आता। ऑलमोस्ट इसको ठीक है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुधा रावत सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रही है घर से मॉर्निंग में। मॉर्निंग तो क्या है, अभी खैर काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि मैंने सारा मतलब बच्चे लोग सुबह स्कूल चले गए थे, रावत जी किसी काम से बाहर गए हैं चंडीगढ़ से, और मॉम डैड उस वाले रूम में आराम कर रहे हैं। मैंने अपना टिफ़िन पैक कर दिया है और बस सारा कुछ रेडी करके मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। सारा कुछ रेडी कर दिया है मैंने, देखिए ये पहने हैं और बस बाल वाल टाई कर दिया है मैंने। तो बस कुछ इस तरह का वेयर किया है मैंने, ये ड्रेस टाइप है वन पीस काइंड ऑफ। और बस हमारे किसी रिलेशन में शादी है, तो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे गढ़वाली शादी। और आई होप आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होगी। फिलहाल जा रही हूँ ऑफिस, और ऑफिस के बाद मैं आज मार्केट भी जाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जो शादी आ रही है हमारे रिलेशन में वो है लड़की की शादी। इवन वो लड़की आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखी होगी, तो गढ़वाली लड़की है। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ उसको गिफ्ट लेके आते हैं। तो आज पहले मार्केट जाऊँगी, ऑफिस से आने के बाद मैं मार्केट जाऊंगी और कुछ लेके आते हैं। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है, क्या लेके आती हूँ मैं उनके लिए। अ फ्यू आवर्स लेटर। हाय फ्रेंड्स, ऑफिस से फ्री होने के बाद मैं आई हूँ मार्केट। और तो मैं देखती हूँ पिंकी के लिए क्या लेके जाती हूँ। अभी जा रही हूँ मैं मार्केट में अंदर, और अंदर जाके दिखाती हूँ आपको कि क्या कुछ मुझे पसंद आया। तो चलते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली मुझे ये राधा कृष्ण पसंद आए हैं फ्रेंड्स, और आप लोग भी देख लीजिए। अब मैं पैक करा रही हूँ, कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। मुझे बहुत सुंदर लगे तो मैं इन, क्योंकि मैरिड जोड़े को वैसे राधा कृष्ण देने चाहिए, तो मैं ये ले रही हूँ। सो गाइज, मैं फ्री हो गई हूँ और फ्रेम चक्के लेके जा रही हूँ मैं, गिर ना जाए भाई। तो बस जा रहे हैं, घर निकलती हूँ अब, और देखते हैं शाम को कि अभी कपड़े भी चेक करने हैं, बच्चों के भी खुद के भी, तो आज ही निकाल के रख दूँगी क्योंकि कल टाइम नहीं लगेगा। तो बस अभी चलते हैं फटाफट से घर, मिलते हैं आपके घर में। बाय। फाइनली मैं घर पहुँच गई, और आने में बड़ी परेशानी हुई क्योंकि आगे फ्रेम लगी थी, तो टांगे नीचे करके आना पड़ा मुझे। और अब थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं, और रावत जी को पूछ लेते हैं क्योंकि वो बाहर गए थे कहीं पर, वो आए हैं वापस कि अभी नहीं आए हैं, वो पूछ लेती हूँ एक बार। और फिर देखते हैं कल के लिए कि कपड़े क्या पहनने हैं, वो भी निकालने पड़ेंगे बच्चों के भी और अपने भी। ये ना सच में एक बार आने के बाद ना, ऑफिस से आने के बाद भी ऐसे वीक वीक मतलब अजीब अजीब सा फील होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्लूकोज पी लूँ, एक तो बच्चों ने ना सारा कुछ ही होता है। मैंने स्पेशली ये ग्लूकोज इसीलिए लाया है, ग्लूकॉन डी। फ्रेंड्स, बच्चे लोग नहीं पीते ये, मैं बच्चों के लिए लेके आई थी लेकिन नहीं पीते, तो चलो बच्चे नहीं पीते हम पी लेंगे। घर आती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मतलब आंखें ऐसे सी हो जाती है, मतलब कम सा दिखता है। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी होता है। तो जब होता है तो मैं ये ग्लूकोज वाला पानी पीती हूँ, तो इससे ठीक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये खुल गया है मेरा पिटारा, और जिसमें कि एक साड़ी ये है, एक ये गाउन है फिलहाल, मतलब जो पहनने वाला मुझे लग रहा है कि पहनना क्या क्या पहन सकते हैं। एक गाउन ये है, एक गाउन ये है, और एक साड़ी ये है, ये साड़ी है, साड़ी एक साड़ी ये है, बट ये तो वैसे ही है रेगुलर वाली। एक ड्रेस ये है जो मैंने रितु की शादी में पहनी थी, और ये वाला
भी एक साड़ी है, ये भी काफी हैवी है साड़ी। और ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है यहाँ पर, इसने फ्रेंड्स ये देखिए, और फ्रेंड्स ये देखिए इसने मेरा लहंगा पहन लिया है, और ये देखो इसको फिटी नहीं आता ऑलमोस्ट, इसको ठीक है, नहीं नहीं मेरे को तो अभी भी ठीक है, थोड़ा अभी भी मुझे ठीक है अंशु, ठीक है। ये देखो इसने फंसा रखा है पीछे से सारा पकड़ के, ये लहंगा ये देखो इसने ऐसे फंसा रखा पीछे से पकड़ा हुआ है। तो मुझे ये वाला गाउन भी ठीक लग रहा है, मैं बच्चों को बोलूं ये पहनती हूँ, लेकिन ये जिद पे अड़े हुए हैं कि ये वाली साड़ी पहनो। इसके रंग देखो, अरे रंग तो है, कल देखूंगी मैं, या ये पहनूंगी या ये पहनूंगी, दोनों में से एक। सो गाइज ये था आज का ब्लॉग, और ये कपड़े वगैरह दिखाने के बाद मेरा डिसाइड हो गया या साड़ी पहनूंगी या दोनों में से एक चीज देख लूंगी कल क्या अच्छा लगता है। और उसके बाद हम लोग गए अंशु का हेयर कट लेने, जो कि मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फटाफट से थोड़ा जल्दी में थे हम लोग, और बस आ गई हूँ घर, फटाफट खाते हैं खाना और सो जाते हैं क्योंकि लेट हो गया है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और फिर से जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो आने वाला है शादी, गढ़वाली शादी। तो इवन मम्मी पापा आज गए हुए हैं लेडीज संगीत में, मैं नहीं गई, थोड़ा तबीयत भी ऐसा ढीली सी लग रही थी, रावत जी भी कहीं बाहर गए थे जैसे कि मैंने बोला आपको, और रावत जी आ गए हैं, रावत जी भी आ चुके हैं, और कल जाएंगे हम शादी में। और हमारी गाड़ी गई हुई है ठीक होने को, एक दिन मतलब एक्सीडेंट होते होते बच गया और शीशा सारा टूट गया था रावत जी का, किसी ने ना ट्रॉले ने मार दिया था साइड में, तो गाड़ी हमने ठीक कराने को दी थी क्योंकि नई गाड़ी का पूरा शीशा खत्म था। बीच में मैं आपको बताना भूल गई क्योंकि रावत जी मुझे भी कम मिलते हैं, आपको कब दिखाऊं मैं। वैसे बीच में हम लोग गए तो थे एक दिन जब भाभी आए थे, बट उस टाइम हम रात को गए थे तो मैं दिखा नहीं पाई थी, तो बस मतलब पूरा ही मतलब लेफ्ट साइड का शीशा खत्म था, बिल्कुल चकनाचूर, जिसको 9,000 रुपीज लगेंगे। तो रावत जी के होश उड़ गए कि 9,000 रुपए का शीशा, बस वो करवा दिया। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, आई होप कि कल तक हमारी गाड़ी आ जाएगी और हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो फिर ये दोस्त की गाड़ी लेके आए हुए हैं आजकल, 2-3 दिन से की गाड़ी लेके आया तो उन्हीं की गाड़ी चला रहे हैं, तो नहीं तो फिर हम उनकी गाड़ी में जाएंगे, और अदरवाइज अपनी आ जाएगी तो अपनी में जाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे दोस्तों, एंड फिर से मिलेंगे गढ़वाली जाति में, बाय बाय, सी यू सून।